हाथ फेरे भर लू बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। तो व्हाट्स अप गाइस, एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। सो आज डेटेड 30th of March 2024 एंड टाइम हो रहा है 10:34 AM एंड मैं निकल चुका हूँ आज। बहुत मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं निकल चुका हूँ एक नई काम के सिलसिले में। किधर जा रहा हूँ अभी मैं बताऊँ आप लोगों को। तो हम जा रहे हैं अभी, पहले मुझे जाना है एक बैंक, फिर जाना है मुझे दूसरे बैंक, फिर जाना है मुझे साइट पे। तो ये कुछ है काम का सिलसिला। आज मैं घर वापस आऊँगा 2:30-3 बजे तक वापस आ जाऊँगा, बिकॉज डेली शाम को लेट इवनिंग हो जा रही है घर आने में, एंड बहुत ज़्यादा थक सा जा रहा हूँ। मन तो आज ये था कि रेस्ट करूँ मैं आज, बट रेस्ट करेंगे माना भाई तो फिर डिफेंडर के लिए पैसे कैसे कमाएंगे, दिक्कत तो सारी है बड़े भाई। तो इसलिए रेस्ट ना करते हुए मैं निकल चुका हूँ काम के सिलसिले में। अभी आया था मैं एक जगह पे, एक साइट पे, वो साइट की विजिट कर ली है मैंने। अब जा रहा हूँ बैंक की तरफ, बैंक के काम दोनों तीनों बैंक्स के काम निपटाता हूँ, क्योंकि आज है 30th March, आज है लास्ट वर्किंग, आज मतलब लास्ट बिल्कुल मतलब फाइनेंशियल ईयर की हमारी क्लोजिंग हो रही है। ऑफिस में भी मैंने 25th से शुरू कर दी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग, एंड चली रही है अभी भी क्लोजिंग। मतलब आज मोस्ट प्रोबेबली आज मैं तीनों बैंक्स अगर विजिट मेरे ठीक से हो जाते हैं, अगर भीड़ नहीं हुई ज़्यादा, तो मेरी आज फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो जाएगी, बैलेंस शीट्स मैच हो जाएंगी। मैच हो चुकी है वैसे मोस्ट प्रोबेबली, बट वही है कि एक दो बड़े एक्सपेंसेस हैं जो मैंने करे थे यार, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने कब क्यों करे थे वो। तो उसमें मुझे जानकारी जाननी है बस कि वो जो मैंने एक अमाउंट ट्रांसफर करी थी, वो करी तो मैंने ही है एट द एंड ऑफ द डे, बट मैंने क्यों करी, किस पर्पज से करी, फिर वो किस शीट में आएगा, क्या वो वर्किंग एक्सपेंस में, क्या वो बिजनेस एक्सपेंस में आएगा, क्या वो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस में आएगा, क्या वो किस तरीके के एक्सपेंसेस में आएगा, कौन सा एक्सपेंस है वो। अगर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स लिए, तो वो ब्रिक्स क्या हुआ मेरा, वो मेरा बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, वो मेरा किसी कंस्ट्रक्शन में लगा, फिर वो कौन से कंस्ट्रक्शन में लगा, फिर वो कौन से कंस्ट्रक्शन में लगा वो देखना पड़ेगा, तभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार होगा। अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार नहीं हुआ है, एंड वंस द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी रेडी, आई विल बी गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट माई बिजनेस प्रॉफिट इन द ईयर 2023 to 2024, दैट इज 1st April 2023 to 31st March 2024। तो ये होता है एक बिजनेस जो रन कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, उसका न्यू ईयर 1st January नहीं होता, उसका न्यू ईयर होता है 1st of April। ओके गाइस, ओके। तो ये एक आपको मैंने जानकारी दी है। तो फॉर एग्जांपल परसों मेरा न्यू ईयर होगा एक तरीके से, समझ रहे गाइस। तो यही कुछ है, आज मैंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया आप लोगों को, तो अगर अच्छा लगा ये ज्ञान तो मुझे बताएं कमेंट करके, सो दैट ऐसी ज्ञान, अगर मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस इस ज्ञान के लिए बिल्ड है, मतलब वो चाहती है ये वाला ज्ञान, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आप लोगों को मे बी न्यू होगी, मुझे भी न्यू थी जब मैंने 2016 से मैं शुरू किया था बिजनेस, तब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता लगी थी। अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अभी तक मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश हो रही थी बड़ी तेज, और बारिश के चक्कर से मैंने फॉर्चुनर नहीं, ओ भे आम की टूट के गिरा गाड़ी पे और सामने पूरे गाड़ी पे हो गई, तो बारिश हो रही थी, तो बारिश के चक्कर से मैंने फॉर्चुनर नहीं निकाली, और अब देखो तो मौसम खुल गया। भाई तो भाई कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था, बिकॉज किसी चीज़ में फंसा रह गया था मैं, कल भी परसों भी तरसों भी। भाई पेड़ गिरा हुआ यार यहाँ, तो भाई पेड़ ही गिर गया, बताओ यार, रात को आंधी तूफान नहीं है, ठीक चला, मैं तो सोच रहा था कि अरे हाँ गाइज रह जाना गुरु निकाली देर से जा नहीं रही, और ऐसे बजा रहे जैसे पता नहीं कहाँ चांद मिल जा लेगा। तो अरे हाँ गाइज मैं एक चीज बताना तो आपको भूल ही गया, जैकेट। भाई साहब मौसम भी भगवान भी कह रहे, भाई साहब भगवान भी कह रहे कि मानो तू ये जैकेट मत उतार। अभी सुबह जब मैं उठा तो
12 डिग्री सेल्सियस हो रहा टेम्परेचर, फिर मैंने जैकेट डाल ली, मैंने कहा यार ठीक है यार। और इसमें ऐसा नहीं है कि गर्मी लग रही मुझे बहुत ज़्यादा, शीशे भी बंद है गाड़ी इस समय, जबकि यही कुछ है। बाकी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, क्या बताना चाह रहा था मैं, हाँ मेरा व्लॉग कल आ नहीं पाया था ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न, एंड बिल्कुल भी एडिट का टाइम नहीं मिल पाया, तो कोशिश करूँगा आज दो व्लॉग्स आ जाएं। आज नहीं आएंगे ना घर गाइस, आज नहीं आएंगे गाइस, तो कल आएंगे वो व्लॉग्स, दोनों व्लॉग दो व्लॉग्स लाऊंगा मैं कल, ताकि आज का दिन मैच हो जाए। देखते हैं जो भी होगा, नहीं भी होएगा तो अब क्या कर सकते हैं। शाम को तो, आज शाम को तो आएगा ही 7 PM पे डायरेक्टली व्लॉग, वो व्लॉग होगा 28th मार्च का व्लॉग आएगा आज शाम को, फिर 29th वाला कल वाला देखूंगा कब लाते हैं, देखते हैं। कान पे मोबाइल से सर काटी गाड़ी का, मेरे शहर में आ रहा रास्ता रोज दे भाई, क्यों हंसा मैं बताऊंगा बाद में, किसी और व्लॉग में बताऊंगा, आज नहीं बता रहा मैं, पर याद रख रहा है इस व्लॉग को तुम। कुछ नहीं मेरी, अबे यार एक तो ये बोतल गजर 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 आवाज कर रही इतनी देर से। चल भाई तू पीछे चले जा बोतल, और पीछे लीक मत हो जाइए, मेरे पेपर गिल हो जाएंगे। समथिंग रिलेटेड टू सम गर्ल्स एटीट्यूड, कुछ लड़कियों के एटीट्यूड के चक्कर में, एटीट्यूड रिच पीपल की गर्लफ्रेंड्स का, एटीट्यूड रिच पीपल की गर्लफ्रेंड्स का। और चलो कोई नहीं, नेवरदलेस आंटी आप गिर मत जाना इस किचड़ में, जिस तरीके से आप चला रहे हैं गिर भी सकते हो भाई साहब। सो भाई लोग, बैंक का काम निपटा लिया अपन ने, ये रहे सारे वो डॉक्यूमेंट्स, बैंक का काम निपट चुका है, और अब चलते हैं हम अपन लोग घर की तरफ मे बी, या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा था अशोका मोटर्स की तरफ जाऊं, बिकॉज कुछ काम था मुझे, एंड अशोका मोटर्स इज लाइक मारुति सुजुकी के ऑथराइज स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं उन पे, एंड वो क्या लेना है मुझे, तो समथिंग रिलेटेड टू द मॉडिफिकेशन से रिलेटेड लेना है मुझे कुछ सामान, एंड सामान इज बता दूंगा मैं क्या सामान है क्या नहीं, एंड चलते हैं अभी, देखता हूँ सोचता हूँ क्या होता है, क्या प्लान होता है, क्या मूड बनता है, मूड और प्लान बनते ऊपर सारी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। प्लान हुआ तो बट्टी बट्टी जगह जाएंगे, प्लान नहीं हुआ तो छोटी छोटी जगह जाएंगे। ओमके गाइस, ओमके। अरे भाई साहब मानो भाई, तुम्हारा तो कैमरा ही गंदा रहेगा हमेशा। अरे भाई साहब आप क्यों आ रहे इधर, तो भाई लोग मैं निकल चुका हूँ जाखन से, जाखन में तीनों चार बैंक में जाना था, चारों बैंक के काम निपटा लिए, पता लग चुका है कौन से एक्सपेंसेस कहाँ हुए हैं, एंड अब चलते हैं घर की तरफ। ओके गाइस, ओके, एंड एक चीज और आप लोगों को बतानी है, दैट आपको लग भी रहा होगा दैट मानो भाई तुमने बुलेट तो ले ली पर ड्यूक सेल कर दी, हमें अब तो यकीन हो गया ड्यूक तुमने पहली सेल कर दी तभी तुम दिखा नहीं रहे, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा है ना, तो इस बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ कि मैंने क्या करा ड्यूक के साथ। हमके गाइस, हमके भूख लग लग गई यार, 12:53 हो रहा टाइम तो अभी, तो हाँ भाई दबे 12:53 टाइम हो गया यार, 3 घंटे लग गए मुझे बैंक में, 10:30 बजे आ गया था मैं घर से, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 घंटे लगे माना भाई। जोमैटो का ऑर्डर आ गया तुम्हारा गाइस, खा लो पिज्जा, उड़ा रहा आ जा, चल उड़ा ही दूं मैं आज। नहीं तो
हॉर्न ऐसे मारेंगे पीछे से जैसे उड़ा ही देंगे अपने आप। अब नानी दादी याद आ गई पीछे आने में। ओहो आंटी थी वुमेन वुमेन यार तेरा चेतक पे चाले तेनु जसका रेड फरारी का। तो भाई लोग इस व्लॉग को मुझे लगता है एंड तो नहीं कर रहा मैं, अभी घर चलते हैं और तब एंड करेंगे। ओके गाइस शाम को ही एंड करेंगे आज इस व्लॉग को, आराम से एंड करेंगे। सो भाई लोग आज मैंने वजह से बताया 2:28 हो रहा है टाइम, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। घर पहुँच चुका था मैं 1:30 बजे के आसपास, एंड अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, एंड रेस्ट करके फिर शाम को देखूँगा। शाम को वैसे मोटा मोटा कोई हिसाब किताब मेरा है नहीं जाने का आज बाहर। अब मेरा मन है कि आज मैं रेस्ट करूँ और शाम को थोड़े से पेपर वर्क अपने देखूँ और क्लोजर्स कर दूँ। क्लोजर्स में बस मेरे सिग्नेचर्स होने, बाकी तो क्लोज हो चुका है, एंड इसी हिसाब के पास ऑलरेडी पेपर्स जा चुके हैं। तो यही कुछ है, तो इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन।